अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही तआला व बरकातुह। मौज़न नाज़रीन, हमें उम्मीद है आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। क्या इस्लाम में स्ट्रॉबेरी फल खाना हराम है और क्या ये जहन्नमी फल है, इसकी क्या हकीकत है? तो इसका जवाब ये है, स्ट्रॉबेरी फल खाना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि शरा ने जिस चीज़ को मना ना किया हो वो हर चीज़ खाने में कोई हर्ज नहीं। और जो ये समझते हैं कि स्ट्रॉबेरी फल जहन्नमी फल है, तो इस बारे में कहीं भी जिक्र ना हुआ कि ये जहन्नमी फल है, ना हदीस में ना कुरान मजीद में, तो इसका खाना बिल्कुल दुरुस्त है। तिब में स्ट्रॉबेरी फल के काफ़ी सारे फवाइद बयान किए गए हैं। स्ट्रॉबेरी के हम 9 फवाइद आपके सामने बयान करते हैं। स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल अमराज़ कल्ब और शुगर डायबिटीज़ से तहफ़्फ़ुज़ देता है, इसी वजह से तिब्बी माहिरीन ने इसे दिल की सेहत के लिए बेहतरीन फलों में से एक फल करार दिया है। हाई ब्लड प्रेशर, ख्वाब, कोलेस्ट्रॉल में भी मुफीद है। स्ट्रॉबेरी में मौजूद एक जुज इंसिदादे कैंसर की खसूसियत रखता है और कैंसर के खलों की नशो नुमा को रोकता है। स्ट्रॉबेरी खाना गले के कैंसर में मुफीद है। स्ट्रॉबेरी आँखों की बिनाई को तकबीयत बख्शती है और मोतिया के मर से नजात का बाइस है। जिस्म के दिफाई निज़ाम को मजबूत और ताकतवर बनाती है, जिसकी बदौलत अमराज से दिफा भी मजबूत होता है। स्ट्रॉबेरी कब्ज और आंतों के वर्म से बचाती है। स्ट्रॉबेरी जल्द नरम और मुलायम रखती है और चेहरा तरोताज़ा रखती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ झुर्रियाँ पड़ने के अमल को कम करती है। स्ट्रॉबेरी जोड़ों की सूजन और वजन कंट्रोल रखती है। रसाइल तिब जिल्द 2 सफ़ा नंबर 212। लिहाजा मालूम हो गया कि स्ट्रॉबेरी फल न जहन्नमी फल है और न उसके खाने की ममानियत आई है। वल्लाहु व रसूलुहु आलम बिस्सवाब। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि ये मालूमात दूसरों तक भी पहुँच जाए।